हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ एचपी टेट एग्ज़ाम जो 11 जुलाई 2021 को हुआ है उसका जनरल अवेयरनेस सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये पंक्तियाँ किसने लिखी थी? ये लिखी है ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन में किस क्रांतिकारी की मृत्यु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जतिन दास। नेक्स्ट है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पांचवें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शरीर के लिए विटामिन डी उत्पन्न करता है? ऑप्शन बी त्वचा। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन है बी एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? इसका जो राइट आंसर है वो है 24, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फिलेटली संबंधित है? ऑप्शन सी, टिकटों का संग्रहण करने से। नेक्स्ट है, कौन सा देश मैग्सेसे अवार्ड प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फिलीपींस। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम प्रसिद्ध नृत्य है केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी आर के माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा इस नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन डी देववाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा दो जो भूतपूर्व मंत्रालय है, जल संसाधन मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर एक नया मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 की कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बर्मिंघम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा वैली ऑफ शैडोज के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्यून त्सांग ने चंद्रताल झील को क्या कहकर पुकारा है? लोहित्य सरोवर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कालका शिमला रेल मार्ग यात्रा में निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग सबसे लंबी है? ऑप्शन ए बारोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी ऑफ केलांग क्या है? एक प्रसिद्ध ग्लेशियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है ये है फिनलैंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के संग भारत अपनी सबसे लंबी सीमा को साझी करता है? इसका जो राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी बांग्लादेश। निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसका स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन बी भारत, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 15 होती है, 10 इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। जो स्थायी सदस्य हैं वो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंश नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी इन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है शुक्र व मंगल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि हम जो इसको लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो पृथ्वी जो है वो शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच में है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र में किस देवी या देवता की उपासना की गई है? सूर्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की 3 राजधानियां हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ स्थापित है चित्तौड़गढ़ में? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोडा वाटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका की जो तीन राजधानियां, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, जो प्रिटोरिया है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है, केप टाउन यहाँ की विधायी राजधानी है और ब्लॉमफॉन्टीन न्यायिक राजधानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।